नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी की तरफ से उनका कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में जेपी नड्डा के साथ एक और रिकॉर्ड जीत दर्ज की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में बड़ा फैसला। विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए बनी रणनीति। जेपी नड्डा को मिला एक्सटेंशन। नड्डा का जून 2024 तक बढ़ा कार्यकाल। लोकसभा चुनाव तक रहेंगे भाजपा अध्यक्ष। शाह ने नड्डा के नेतृत्व की भी सराहना की। भाजपा ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो कि 17 जनवरी तक चली। मीटिंग शुरू होने से पहले दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकाला गया। दूसरे दिन की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ खत्म हुई। इस दौरान पीएम ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे हैं, ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों और हर एक कार्यकर्ता को एक एक वोटर से मिलने उनके दरवाजे तक जाना चाहिए। दरअसल बैठक के दूसरे दिन पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लगा दी। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था, पर नड्डा लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। वे लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद भाजपा के ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को भी 2019 में लोकसभा चुनाव तक विस्तार दिया गया था। नड्डा को एक्सटेंशन दिए जाने का ऐलान करते हुए अमित शाह ने कहा, नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी ने 120 चुनाव लड़े, जिनमें से 73 में जीत हासिल की। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपनी पैठ बढ़ाई और यश भी बढ़ाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में लड़ेगी। गौरतलब है कि देश के 9 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव है, वही जम्मू कश्मीर में भी मई जून के बीच चुनाव कराए जाने के आसार हैं। इसी तरह 10 विधानसभाओं और अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा को ये एक्सटेंशन दिया गया है। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो 2022 में भाजपा संगठन के चुनाव नहीं हो सके हैं, इसीलिए भी जेपी नड्डा को ही लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा गया है। भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। 2023 में ही होने वाले ये चुनाव लोकसभा की करीब 21% सीटें कवर करते हैं। साथ ही उत्तर से दक्षिण तक फैले इन राज्यों के फैसले से अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव में जनता के मिजाज की झलक भी मिल सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी की इस बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर व्यूह रचना पर अलग अलग चर्चा हुई। बता दें कि भाजपा की पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर
साफ कर दिया है कि उसका चुनाव अभियान केंद्रीय लीडरशिप ही तय करेगा। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा चुनाव में किस तरह के परिणाम निकल कर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।